गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गर्ल्स, हम लोग चर्चा कर रहे हैं जर्मनी एकीकरण। तो कल हम लोगों ने जर्मनी एकीकरण की कुछ पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जर्मनी के एकीकरण का जो निर्माता माना गया है वो नेपोलियन बोनापार्ट को माना गया। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, दक्षिणी जर्मनी के 16 राज्यों को जीतकर एक संघ बनाया था, ठीक है, और यहीं से जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि विन्या कांग्रेस में क्या हुआ था कि जर्मनी के जो 200 रियासतें थी, जर्मनी 200 रियासतों में बटा हुआ था, तो जर्मनी के इन 200 रियासतों का एक 39 राज्यों का एक शिथिल कमजोर संघ बना दिया गया था। और इस 39 राज्यों का ये जो परिसंघ बनाया गया कमजोर था, इस पर विदेशी प्रभुत्व कायम कर दिया गया, ठीक है। कैसे, जैसे इस संघ का जो अध्यक्ष बनाया गया वो किसको बनाया गया, ऑस्ट्रिया को इस संघ का 39 राज्यों के इस शिथिल परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया। और इसका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था, प्रशा को इस संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो इस कुछ ऐसी कमजोरियां थी, ऐसी कुछ मार्ग में बाधाएं थी जिसके कारण क्या है, जर्मनी का जो एकीकरण है वो नहीं हो सका, या हुआ कुछ एक हुआ तो वो बहुत धीरे धीरे हुआ। तो आज का हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ इसमें बाधाएं कौन कौन सी थी, क्यों धीरे धीरे इस संघ का जो पहले हुआ क्यों नहीं, क्या क्या बाधाएं थी, फिर उन बाधाओं को कैसे दूर किया गया, और फिर एकीकरण के लिए कौन कौन से कार्य किए गए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं कौन कौन सी थी, ठीक है, फिर हम बाधाओं को कैसे दूर किया गया और बाधाओं को दूर करने के लिए कौन कौन से युद्ध लड़े गए, कौन कौन से कार्य किए गए, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जर्मनी एकीकरण की बाधाओं को देखते हैं। तो जर्मनी एकीकरण की सबसे जो बड़ी बाधा थी वो थी वैचारिक भिन्नता, विचारों का अलग अलग होना। देखो इस समय जर्मनी में क्या है, अनेक राजनीतिक दल कार्य कर रहे थे, ठीक है, और ये जो अनेक राजनीतिक दल थे इन दलों में जर्मनी के एकीकरण को लेकर भिन्न भिन्न तरह के विचार थे, ठीक है। जैसे कुछ दल चाहते थे कि इंग्लैंड के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो, कुछ दल चाहते थे कि ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो, कुछ चाहते थे कि प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो, ठीक है। अतः ये जो विचारों में भिन्नता थी, इसी भिन्नता के कारण जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे पहली बाधा थी जर्मनी के राजनीतिक दलों का एकमत न होना या विचारों में भिन्नता होनी। अब देखो दूसरा जो कारण है वो है ऑस्ट्रिया व प्रशा में द्वंद्व। देखो 39 राज्यों का ये जो संघ बनाया गया है, ये सारा जो जब एक हो जाएगा तब जर्मनी का एकीकरण होगा, तो इस संघ का अध्यक्ष कौन है, ऑस्ट्रिया, और उपाध्यक्ष कौन है, प्रशा, जिनमें आपस में क्या है, द्वंद्व है, ठीक है। देखो जो ऑस्ट्रिया है वो अपने ही नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि जर्मनी में राष्ट्रीयता की, देश प्रेम की भावनाएं आए। क्यों, क्योंकि उसको ये था कि यदि जर्मनी में राष्ट्रीयता या देश प्रेम की भावना आ गई, ठीक है, तो मेरा अधिक समय तक बने रहना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, वो अपनी सीमा के ऊपर एक ताकतवर राज्य का निर्माण नहीं होने देना चाहता था, ठीक है। इसके विपरीत अगर हम प्रशा की बात करते हैं, तो प्रशा क्या चाहता था कि जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना आए और जर्मनी का जो एकीकरण है वो प्रशा के नेतृत्व में हो जाए, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया और प्रशा में ये जो द्वंद्व था, देश प्रेम की भावना एक तो लाना चाह रहा था, एक देश प्रेम की भावना का दमन कर रहा था, तो इन दोनों का ये जो द्वंद्व था इसने भी जर्मनी के एकीकरण में बाधा पहुंचाई, ठीक है। अब जो जर्मनी के एकीकरण का बाधा का जो तीसरा कारण था वो था ऑस्ट्रिया की प्रतिक्रियावादी नीति।
देखो इस समय ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, उसका नाम था, ठीक है, ये जो मेटरनिक था ये क्या था, अत्यंत प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। ये नहीं चाहता था कि जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हो, तो इसने जर्मनी की जितनी भी राष्ट्रीयता की भावना थी उनका क्या किया, दमन किया। और इसने जबकि ये तो जर्मनी का अध्यक्ष था, ठीक है, ये जो संघ का, जर्मनी का ये जो संघ बना हुआ था इसका अध्यक्ष था, तो इसने जर्मनी में ऐसे ऐसे कानून पारित किए जिससे क्या हो, जर्मनी की जो राष्ट्रीयता की भावना है वो कभी भी विकसित नहीं हो पाई। और जब तक देश प्रेम की भावना नहीं आएगी तो देश को एक कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया की प्रतिक्रियावादी या मेटरनिक भी कह सकते हैं, मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी, ठीक है। अब जो अगला कारण है वो है शारीरिक व मानसिक थकान। देखो काफी लंबे समय से लोग क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट से युद्ध कर रहे थे, हम लोग पढ़ भी चुके हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट से जो लंबे युद्ध करने पड़े इन लोगों को, जिसके कारण क्या हो गए थे, जर्मनी के लोग शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो गए चुके थे, थक चुके थे, वो थकान महसूस कर रहे थे। अब उनको लगता था कि आराम करना चाहिए, बैठ के जैसा शासन वैसे जैसे मर्जी चले। तो ये जो शारीरिक और मानसिक थकान थी, ठीक है, इसकी वजह से भी जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था, ये भी बाधा थी। अब अगला जो कारण था वो था जर्मनी की जनता में राष्ट्रीयता की कमी। देखो जर्मनी के एकीकरण में से तो राष्ट्रीयता की भावना का जो दमन कर रहा था वो कौन था, ऑस्ट्रिया, ठीक है। और वैसे जो थोड़ी बहुत राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो क्या है, जर्मनी की सारी जनता में नहीं थी, केवल जो जर्मनी का शिक्षित पढ़ा लिखा वर्ग था या जो उच्च कुल के लोग थे जो पद लेना चाहते थे भी, या पढ़े लिखे थे वो चाहते थे कि हमारे देश का शासन हमारे द्वारा संचालित हो, उनमें ही राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान थी, ठीक है। और जब तक सारी देश की जनता में देश प्रेम की भावना नहीं आएगी तो उस देश के एकीकरण में बाधा तो आएगी ही आएगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधाएं ये थी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई, ठीक है। तो यहाँ साइड में लिख रही हूँ 1862 की बात है, यहाँ ऐड कर रही हूँ। 1862 में क्या हुआ था, प्रशा का चांसलर या हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया, बिस्मार्क, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण का जो वास्तविक आरंभ माना जाता है वो इसी बिस्मार्क से ही माना जाता है। कब, 1862 में, जब बिस्मार्क प्रशा का चांसलर या प्रधानमंत्री बना तब जर्मनी के एकीकरण का कार्य आरंभ हो गया, ठीक है। और ये जो बिस्मार्क था अत्यंत कूटनीतिज्ञ प्रतिक्रिया पर शक्तिशाली निरंकुश शासक था, और इसका ये मानना था कि जो जर्मनी का एकीकरण है वो क्या है, कागज और प्रस्तावों के माध्यम से कभी भी नहीं हो सकता, कि हम लंबे लंबे भाषण दे दें और कागज के प्रस्ताव पास कर दें और जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा। उसका क्या मानना था कि जर्मनी का एकीकरण कागज के प्रस्तावों के माध्यम से नहीं हो सकता, जर्मनी का एकीकरण कौन सी नीति के माध्यम से होगा, रक्त और लोह की नीति। कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है, बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ रक्त और लोह की नीति अपनाई। रक्त मतलब युद्ध करो, खून बहाओ भी सही अपना भी बहाओ, ठीक है। रक्त और लोह की नीति मतलब युद्ध की नीति उसने अपनाई, ठीक है। उसका क्या कहना था, जर्मनी का एकीकरण रक्त और लोह की नीति के द्वारा ही संभव है, ठीक है। और बिस्मार्क संविधान को क्या मानता था, कागज का टुकड़ा मानता था। उसका ये मानना था कि जर्मनी का एकीकरण जर्मनी की जनता के द्वारा नहीं अपितु जर्मनी के राजाओं के माध्यम से ही संभव है, ठीक है।
और उसको ये भी पता था कि जर्मनी के एकीकरण में जो सबसे बड़ी बाधा है वो कौन थी, ऑस्ट्रिया। ठीक है, बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किसको मानता था, ऑस्ट्रिया को मानता था। और इस समय ऑस्ट्रिया एक शक्तिशाली देश था, उसके यूरोप में अनेक मित्र भी थे, उसके पास शक्तिशाली सेना भी थी। ठीक है, अतः उसको पता था कि जब तक ऑस्ट्रिया को शक्तिहीन नहीं कर दिया जाता, ठीक है, जब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता, अतः उसने ऑस्ट्रिया को शक्तिहीन करने के लिए प्रशा को शक्तिशाली बनाया। ठीक है, और क्या कार्य किया, यूरोप में अपने मित्र बनाने शुरू कर दिए, ताकि ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया जाए, मित्र विहीन कर दिया जाए। ठीक है, तो अब उसने प्रशा को शक्तिशाली बनाने के लिए और ऑस्ट्रिया को मित्र विहीन करने के लिए कार्य करने शुरू कर दिए। तो बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को मित्रविहीन करने के लिए और प्रशा को शक्तिशाली बनाने के लिए जो जो कार्य किए, उसके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।